everyone, konnichiwa minasan. Welcome back to my channel. I'm Nancy and you are watching Learn Japanese with Nancy. हम अपनी previous classes में hiragana script की कुछ sounds already कर चुके हैं. तो आज उन sounds से related हम कुछ random vocabulary करने वाले हैं, so that you can practice those alphabets easily. तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप उन alphabets को recognize कर पाते हो या नहीं. तो let's get started. Vocabulary word is red. इसको हम जापानीज में क्या बोलते हैं? आकाई, आकाई, आ, का, ई, आकाई. तो हमने ये तीनों अल्फाबेट्स, तीनों साउंड्स सीख चुके हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आ, का, ई, आकाई. ये इस तरह से साउंड हो रही है. फर्स्ट इज आ vowel, second is ka sound and third is also a vowel, e vowel. तो इसको हम कैसे लिखेंगे जापानीज में? आ, आ हमने कैसे सीखा था लिखना? इच, नी, सांग, का, इच, नी, सांग, ई, इच, नी. इसको एक साथ रीड कर लेते हैं. आ, का, ई, आकाई, आकाई, that means red in English. Red को जापानीज में आकाई बोलते हैं. आकाई. Next is station. Station को जापानीज में क्या बोलते हैं? एकी, एकी. इसमें sounds कैसे हो रही है? A vowel and की alphabet. एकी, एकी. इसको जापानीज में कैसे लिखेंगे? A sound. इच, नी, की, इच, नी, सांग, योंग. तो ये क्या बन गया? एकी, ए, की, एकी. स्टेशन को जापानीज में क्या बोलते हैं? एकी, एकी. नेक्स्ट इज फेस. फेस को हम जापानीज में बोलते हैं काओ, 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 काओ. तो इसमें कौन कौन सी साउंड्स अल्फाबेट्स आ रहे हैं? का अल्फाबेट एंड ओ वोवल. इसको जापानीज में कैसे लिखेंगे? का एंड ओ. ओ हमने साउंड सीखी थी. ओ, काओ, काओ, का, ओ, काओ. तो फेस को जापानीज में हम बोलते हैं काओ, काओ. नेक्स्ट इज पॉन. पॉन को हम जापानीज में बोलते हैं इके, इके. इसको हम कैसे लिखेंगे? ई, के, इके, ई वोवल, के अल्फाबेट. ई, के, इके, ई, के, इके. तो पॉन को हम जापानीज में इके बोलते हैं. इके, इके. हम ऑलरेडी जापानीज वर्ड्स और जापानीज अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करना और रीड करना सीख चुके हैं. जो वो क्लासेस मिस कर चुके हैं, गो एंड वॉच इट बाय क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबव. तो हमने सीखा था जैसे जापानीज में हम बोलते हैं उसी तरह से हम लिखते हैं. तो रेड को जापानीज में बोलते हैं आकाई, आकाई. ई साउंड के लिए ई अल्फाबेट नहीं आएगा, मींस इंग्लिश ई अल्फाबेट नहीं आएगा. हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं. उसके लिए आता है ई, दैट इज दिस ई. तो आकाई, आ इज वोवल जिसको हम भी ऐसे लिखते हैं. का इज अल्फाबेट जिसको हम ऐसे लिखेंगे. ई इज अनदर वोवल जिसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. तो रेड को जापानीज में बोलते हैं आकाई और उसको हम हीरागाना में इस तरह से लिखेंगे. आ का ई, आकाई. नेक्स्ट इज स्टेशन. स्टेशन को जापानीज में एकी बोलते हैं. हमने सीखा था एकी, ए साउंड के लिए हम ये लिखते हैं. की इज के आई, की, एकी. तो इसको हम जापानीज में कैसे लिखेंगे? ए इज
vowel, key is alphabet. A vowel is like this and key is like this. तो ये बन जाएगा एकी. Next vocabulary is face. Face को हम Japanese में काओ बोलते हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? काओ. काओ. का alphabet and O is vowel. तो का को हम हीरागाना स्क्रिप्ट में इस तरह से लिखते हैं and O is like this. तो ये बन जाएगा काओ. 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 Next word is pawn. Pawn को हम Japanese में इके बोलते हैं. इके. इके. इसको हम कैसे लिखेंगे? ई के. ई इज वोवल, के इज अल्फाबेट. दिस ई वोवल लाइक दिस एंड फॉर दिस के वी विल राइट दिस. तो ये बन जाएगा इके. इके. तो पॉन को हम जापनीज में इके बोलते हैं. तो ये हो गई हमारी कुछ प्रैक्टिस वोकैबुलरी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसी तरह से और वोकैबुलरी साउंड्स की वीडियो चाहिए. इफ यस देन वी विल गो अहेड. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आज के वोकैबुलरी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. इफ सो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू टुडेज वोकैबुलरी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए